हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी बहुत ही प्यारा सा हल्टर नेक ड्रेस बनाकर बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चलिए अब ये ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये ड्रेस बनाने के लिए हमने 2.5 मीटर मेन फैब्रिक लिया है और 2.5 मीटर हमने अस्तर का फैब्रिक लिया है। अस्तर में यहाँ पर हमने बटर क्रेप फैब्रिक का यूज किया है, आप कॉटन का भी फैब्रिक ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अस्तर की कटिंग करेंगे, उसके बाद मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अस्तर में हम सबसे पहले बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद हमारा टॉप पार्ट कट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर अस्तर को हमने 4 फोल्ड में प्लेस किया है। यह हमारे फैब्रिक की ओपन साइड है, ये बंद साइड है। तो यहाँ पर मेजरमेंट्स हम बंद साइड से डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ऊपर से डालेंगे हमारा वेस्ट राउंड। तो देखिए, आपका जितना भी वेस्ट राउंड है उसमें 2 इंच ऐड कीजिए और उसे आपको 6.28 से डिवाइड कर देना है। मेरा वेस्ट राउंड यहाँ पर 25 इंच है, जिसमें मैं 2 इंच ऐड कर दूंगी तो हो जाएगा 27 इंच, और उसे मैं 6.28 से यहाँ पर डिवाइड कर दूंगी तो आ जाएगा 4.29 इंच। तो यहाँ पर हम ऊपर से इंच टेप को प्लेस करेंगे और यहाँ पर 4.29 इंच पर निशान लगाते जाएंगे हमारे वेस्ट राउंड के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर हमने मार्किंग कर ली है। अब इन निशानों को हम मिला लेंगे। तो इस तरह से कमर के लिए हमने निशान डाल लिए है। अब ऊपर से हम लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मेरे बॉटम पार्ट की फुल लेंथ 20 इंच है, जिसमें से मैं यहाँ पर 4 इंच माइनस कर दूंगी और यहाँ पर 16 इंच पर निशान लगाऊंगी। यहाँ पर बॉटम पार्ट में हम 4 इंच लेंथ कम लेंगे। जब हम मेन फैब्रिक कट करेंगे वहाँ पर मैं लेंथ 20 इंच लूंगी, अस्तर पर हमने 16 इंच लेंथ ली है। ठीक है, तो इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं 16 इंच पर, आप देख सकते हैं। अब हम निशानों को मिला लेंगे। तो यहाँ पर लेंथ के लिए हमने निशान लगा लिए हैं और इस तरह से मैंने यहाँ पर निशानों को मिला लिया है। अब हम सिंपली इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमने बॉटम पार्ट की कटिंग कर ली है अस्तर के ऊपर। अब देखिए, मैं इसे खोल लूंगी तो यहाँ पर ही हमारा हाफ सर्कल है। जब हम इसे पूरा खोलेंगे तब यह हमारा फुल सर्कल हो जाएगा। तो इस तरह से अस्तर के ऊपर हमने कटिंग कर ली है हमारे बॉटम पार्ट की। अब सेम यही प्रोसेस फॉलो करेंगे और हमारे मेन फैब्रिक की भी हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। मेन फैब्रिक में सिर्फ हम यहाँ पर हाइट 20 इंच लेंगे, जो कि हमने अस्तर में 16 इंच ली थी। तो चलिए, अब यहाँ पर हमारे मेन फैब्रिक की भी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मेन फैब्रिक के ऊपर भी हमने बॉटम पार्ट की कटिंग कर ली है। सिर्फ हाइट यहाँ पर हमने 20 इंच की रखी है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमारे अस्तर की और मेन फैब्रिक की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है बॉटम पार्ट के लिए। अब हम यहाँ पर टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर टॉप पार्ट की कटिंग सबसे पहले हम अस्तर के ऊपर करेंगे, उसके बाद हमारे मेन फैब्रिक के ऊपर हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने अस्तर को 4 फोल्ड में प्लेस किया है। देखिए इस तरह से, ये हमारे फैब्रिक की ओपन साइड है और ये हमारे फैब्रिक की बंद साइड है। अब मेजरमेंट्स बंद साइड से डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर यहाँ पर हम 7 इंच लेंगे। यहाँ से नीचे हम आमूल के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर आमूल भी मैं 7 इंच ही लूंगी। इस तरह से हमने 7 इंच पर निशान लगा लिया। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला लेंगे। तो यहाँ पर अब हम हमारे चेस्ट राउंड के लिए निशान लगाएंगे। आपका जितना भी चेस्ट राउंड है उसे 4 से डिवाइड कीजिए, प्लस उसमें 2 इंच ऐड कीजिए सीम अलाउंस के लिए। मेरा चेस्ट राउंड यहाँ पर 30 इंच है, जिसका 4th पार्ट आता है 7.5 इंच, प्लस उसमें मैं 2 इंच ऐड कर दूंगी और यहाँ पर 9.5 इंच पर निशान लगा लूंगी हमारे चेस्ट राउंड के लिए, इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ पर हमने चेस्ट राउंड के लिए निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ पर हम आमूल के लिए निशान लगाएंगे। क्योंकि हमारा ये स्लीवलेस ड्रेस है, इसलिए यहाँ पर हम फ्रंट साइड का और बैक साइड का आमूल 1 इंच ही लेंगे। तो क्रॉस में इंच टेप को प्लेस किया और मैंने 1 इंच पर निशान लगा लिया। अब सिंपली यहाँ पर हम गोलाई के निशान लगाएंगे, देखिए इस तरह से। अब ऊपर से हम लेंथ लेंगे। मेरे टॉप पार्ट की फुल लेंथ यहाँ पर 12 इंच है, जिसमें मैं 1 इंच ऐड करके लेंथ लूंगी। तो यहाँ पर मैं 13 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब यहाँ से हम वेस्ट राउंड के लिए निशान लगाएंगे। जितना भी आपका वेस्ट राउंड है उसे 4 से डिवाइड कीजिए, प्लस उसमें 2 इंच ऐड कीजिए। मेरा वेस्ट राउंड यहाँ पर 25 इंच है, जिसका 4th पार्ट आता है 6.25 इंच, और उसमें मैं 2 इंच ऐड कर दूंगी और यहाँ पर 8.25 इंच पर इस तरह से निशान लगा लूंगी। अब इन दोनों निशानों को भी हम इस तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों पॉइंट्स को मिला लिया है और यहाँ पर हमारी कंप्लीट ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब हम नेक के लिए निशान लगाएंगे। तो देखिए, नेक की विड्थ यहाँ पर हम 4 इंच लेंगे। तो इस तरह से मैंने 4 इंच पर निशान लगा लिया। अब नेक की लेंथ हम यहाँ पर 2 इंच लेंगे। तो इस तरह से नीचे की ओर हमने 2 इंच पर निशान लगा लिया। अब यहाँ से भी हम 4 इंच लेंगे। तो यहाँ पर हमारा 4x2 इंच का बॉक्स तैयार हो जाएगा। नेक की लेंथ आप चाहे तो कम भी रख सकते हैं या फिर चाहे तो थोड़ी एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग। अब देखिए, यहाँ पर नेक के निशान को हम सीधा हमारे आमूल के साथ मिला लेंगे। हल्टर नेक में सिर्फ हमारा इतना ही चेंज होता है कि आपको लेंथ लेनी है हल्टर नेक के लिए, और फिर लेंथ का जो निशान है उसे हम आमूल के साथ इस तरह से गोलाई में मिला लेंगे। बस इतना ही चेंज होता है हमारे हल्टर नेक में। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को भी हम मिला लेंगे, देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर हमारी कंप्लीट ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब हम सिंपली इसकी कटिंग करेंगे।
तो इस तरह से यहाँ पर हमने अस्तर को कट कर लिया है और कट कर लेने के बाद मैंने इसे खोल लिया है। खोल लेने के बाद कुछ इस तरह से हमारा हल्टर नेक का शेप आ चुका है और यहाँ पर हमारे पास दो पार्ट आ चुके हैं, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे फ्रंट पार्ट को साइड में रख देंगे क्योंकि बैक पार्ट में हम यहाँ पर थोड़े से चेंजेस करने वाले हैं हमारे नेक एरिया में। तो बैक पार्ट को हमने क्या किया है, फोल्ड में प्लेस किया है। फोल्ड में प्लेस करने के बाद देखिए इस तरह से मिड पर हम एक निशान लगाएंगे और फिर यहाँ पर हम नेक के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर नीचे में 4 इंच पर निशान लगाऊंगी और सिंपली इस तरह से बीच में से इसे कट कर लूंगी 4 इंच तक। बस इतना ही चेंज है हमारा, क्योंकि बैक पार्ट में यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे ड्रेस में डोरी लगाएंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसे थोड़ा सा ओपन रखा है बैक में। तो इस तरह से मैंने इसे बीच में से कट कर लिया है और इस तरह से हमने अस्तर के ऊपर हमारे टॉप पार्ट की कम्प्लीट कटिंग कर ली है, हमारे फ्रंट पार्ट की और बैक पार्ट की। अब अस्तर को ही हमने मेन फैब्रिक के ऊपर प्लेस किया है और मेन फैब्रिक की भी यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है। सेम वही प्रोसेस है, अस्तर को मेन फैब्रिक के ऊपर प्लेस करके हमने मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारे टॉप पार्ट की और हमारे बॉटम पार्ट की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर हम स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग में सबसे पहले यहाँ पर हम टॉप पार्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पर टॉप पार्ट तैयार करने के लिए हमने टॉप पार्ट को ले लिया है, फ्रंट और बैक पार्ट को। अब देखिए यहाँ पर हमने मेन फैब्रिक को सीधी साइड प्लेस किया है इस तरह से, ये हमारे मेन फैब्रिक की सीधी साइड है और उसके ऊपर हमारे अस्तर को प्लेस किया है और पिन से सिक्योर किया है। अब यहाँ पर हम आर्म होल के ऊपर नेक एरिया में इस तरह से स्टिच लगाएंगे। दोनों पार्ट में हमें इसी तरह से स्टिच लगानी है और फिर हमारे अस्तर को हम पीछे की साइड पलटा लेंगे, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। तो चलिए अब स्टिच लगा लेते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट में और बैक पार्ट में स्टिच लगा ली है हमारे आमूल के ऊपर और नेक एरिया में, और साथ ही हमने यहाँ पर हल्के हल्के नॉचेस भी लगा लिए हैं। अब सिंपली यहाँ पर हम हमारे अस्तर को पीछे की साइड पलटा लेंगे। तो देखिए मेन फैब्रिक की सीधी साइड इस तरह से ये हमारी ऊपर की ओर आएगी। देखिए इस तरह से सिंपली इसे बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह से दोनों फैब्रिक को हमने सीधी साइड निकाल लिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे आमहुल के ऊपर और नेक एरिया में टॉप स्टिच लगाएंगे ताकि हमारा फैब्रिक अच्छी तरह से स्टिप बैठे। तो इस तरह से यहाँ पर हमने दोनों पार्ट में स्टिच लगा ली है हमारे आमहुल के ऊपर और नेक एरिया में। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा टॉप पार्ट है उसमें ऊपर की ओर हम डोरी लगाने वाले है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फैब्रिक को 1/2 इंच अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इसके ऊपर स्टिच लगाकर इसे पक्का करेंगे। यहाँ पर हमें इतना गैप छोड़ना है कि यहाँ से हमारी डोरी आसानी से अंदर की ओर चली जाए। दूसरी साइड से भी हम इसे 1/2 इंच फोल्ड करके स्टिच लगाएंगे। सिमिलरली देखिए यहाँ पर जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसमें भी हम इसे 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और स्टिच लगाकर पक्का करेंगे। तो देखिए इस तरह से बैक पार्ट में भी हमने इसे 1/2 इंच फोल्ड करके स्टिच लगा ली है और फ्रंट पार्ट में भी हमने यहाँ पर स्टिच लगा ली है। अब देखिए यहाँ पर हम इन दोनों को एक साथ अटैच करेंगे। उसके लिए हमने फ्रंट पार्ट को सीधी साइड प्लेस किया और उसके ऊपर बैक पार्ट को हमने देखिए उस तरह से उल्टा प्लेस किया। दोनों को एक के ऊपर एक अच्छी तरह से प्लेस करेंगे। दोनों की सीधी साइड अंदर की ओर है, उल्टी साइड बाहर की ओर है और यहाँ पर अब हम दोनों साइड से 1.5-1.5 इंच पर स्टिच लगाकर इन्हें पक्का करेंगे। इस तरह से हमने स्टिच लगा ली है। अब मैं इसे सीधी साइड निकाल लूंगी। तो देखिए सीधी साइड निकालने के बाद कुछ इस तरह से देखिएगा हमारा टॉप पार्ट। तो यहाँ पर हमारा टॉप पार्ट बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे साइड में रख देंगे और हमारा बॉटम पार्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पर बॉटम पार्ट तैयार करने के लिए हमने बॉटम पार्ट के फैब्रिक को ले लिया है। यहाँ पर मेन फैब्रिक को और अस्तर को हम सीधी साइड प्लेस करेंगे और फिर हमारे अस्तर को मेन फैब्रिक के अंदर इस तरह से प्लेस करेंगे। तो देखिए दोनों की जो साइड सीम है एक के ऊपर एक आनी चाहिए, इस तरह से अच्छी तरह से प्लेस करेंगे और ऊपर से 1/2 इंच पर स्टिच लगाते हम दोनों को एक साथ पक्का करेंगे। तो चलिए अब स्टिच लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने ऊपर से स्टिच लगा ली है 1/2 इंच पर और देखिए यहाँ पर हमारा बॉटम पार्ट बनकर बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे बॉटम पार्ट को सबसे पहले उल्टी साइड निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने बॉटम पार्ट को उल्टी साइड निकाल लिया है। अब इसके अंदर हम टॉप पार्ट को इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा टॉप पार्ट सीधी साइड रहेगा और जो हमारा बॉटम पार्ट है इस तरह से उल्टी साइड रहेगा। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से मैंने हमारे टॉप पार्ट को अंदर की ओर प्लेस किया। अब देखिए यहाँ पर बॉटम पार्ट की जो साइड सीम है इस तरह से टॉप पार्ट के साइड सीम के ऊपर आनी चाहिए, देखिए। और इस तरह से आप इसे पिन से सिक्योर कीजिए और फिर इसके ऊपर 1/2 इंच पर स्टिच लगाते हुए दोनों को एक साथ हमें अटैच करना है। तो चलिए अब स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने हमारे टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट के साथ अटैच कर लिया है और मैंने इसे निकाल लिया है सीधी साइड और ऊपर से मैंने इसके अंदर डोरी भी इंसर्ट की है। तो इस तरह से ड्रेस बनकर पूरी तरह से तैयार है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लुक आया है इसका। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।